दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में अपन करेंगे इंटरनेशनल इंडेक्स, प्लस इसमें मैंने स्टेट वाइज जो भी इंडेक्स थे वो भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, इस वीडियो का जो मैं टारगेट सेट करता हूँ लाइक का, इस वीडियो पे लाइक के टारगेट है 500, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, आप लोग कितना अचीव करवाओगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को 1.25 से ज्यादा स्पीड में मत देखना, ठीक है, क्योंकि जितना आप फास्ट देखोगे उतना जल्दी बोलोगे। टारगेट मेरा ये रहेगा कि आप वीडियो देखो और आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाए, मेरा ये टारगेट है, ठीक है। और वीडियो काफी बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडेक्स है, इसके अलावा आपको कोई भी इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी। क्योंकि इस वीडियो के पीछे लगभग 8 से 10 घंटे की मेहनत है, मैं पिछले कल से जब से रिजल्ट आया तब से मैं लगा हुआ हूँ और काफी अच्छा डेटा मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना और प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट, हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, ओके। और अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप शेयर भी करना, और वीडियो आप वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में, वो ज्वाइन कर लो। बट पीडीएफ कब मिलेगी, जब इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट होगा। टारगेट है 500 लाइक, तो जो भी लोग देखे लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को, ठीक है, पूरा एनर्जी के साथ, पूरी वीडियो देखना, पूरा फोकस हो गया, अपने आप आपको सारे इंडेक्स में याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। प्लस ये अपनी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की ये 5th वीडियो है, ठीक है, इससे पहले वाली सारी वीडियो देख लेना अब जो मैंने करवा दी है, ठीक है। लोन गवर्नमेंट स्कीम कर ली है, लोन कर ली है अपन ने, और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम कर ली है, सो ये 4th वीडियो है, ठीक है। और अब अपन इसके बाद जो मेरा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा ओलंपिक, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को बिना किसी टाइम के वेस्ट किए, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एज पर द रिसेंटली रिलीज 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो 2024 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, तो उसमें इंडिया की रैंक है 159, 159th इंडिया की रैंक है, ठीक है। टॉप पे नॉर्वे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे स्वीडन, ठीक है। इस इंडेक्स को रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, पाकिस्तान की रैंक है 152nd, ठीक है, पाकिस्तान में फ्रीडम ज्यादा है प्रेस को इंडिया से, श्रीलंका की रैंक है 150, ठीक है। जहां जहां एशियन एशियाई कंट्री की रैंक इंपॉर्टेंट होगी वहां वहां मैं जरूर याद करवाऊंगा, मेनली वहां इंपॉर्टेंट होगी जहां पे इंडिया से भी ऊपर है, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो आसपास के देश हैं वो इंडिया से ऊपर है, वहां इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। याद हो गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 159 है, ठीक है। टॉप पे कौन है, नॉर्वे, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे स्वीडन। एक चीज ऑब्जर्व करना आप लोग पूरी क्लास के अंदर, डेनमार्क मोस्टली 2nd नंबर पे, मोस्टली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन फॉर्म में लाने की ये है वजह है कि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग ए स्टेट लेवल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, ऑल्सो नोन एज इंडिया स्टैक, स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, इंडिया स्टैक अडॉप्शन इंडेक्स, दैट विल हेल्प बूस्ट द डिजिटल इकोनॉमी एंड सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डीपीआई इंडेक्स किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर, जो हेल्प करेगा डिजिटल इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए, प्लस सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो वर्ल्ड बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर, MEITY के साथ मिलकर इन्होंने डीपीआई इंडेक्स लॉन्च किया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ठीक है। अभी एक इंडेक्स आया था, कौन सा इंडेक्स था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। इसमें इंडिया में प्रेस को कितनी छूट है, उसमें इंडिया की रैंक है 159, पाकिस्तान की रैंक 152nd, श्रीलंका की 150, ये रैंक है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है, नॉर्वे, नंबर 2 पे स्वीडन, सॉरी नंबर 2 पे डेनमार्क है यार, नंबर 2 पे डेनमार्क फेमस है, डेनमार्क 2 पे ही है, नंबर 3 पे है स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पेटेंटिंग ट्रेंड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2024 बाई नेस्कॉम, विच स्टेट हैज फाइल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23, तो सबसे ज्यादा पेटेंट किस कौन से स्टेट ने फाइल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। अभी एक रिपोर्ट आई थी नेस्कॉम की, पेटेंटिंग ट्रेंड्स
इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं तमिलनाडु में, ठीक है, उसके बाद किए महाराष्ट्र ने, उसके बाद किए यूपी ने, ठीक है, याद रखना। उसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे ये बूस्ट किसको करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है डीपीआई इंडेक्स किसने दिया था, और डीपीआई इंडेक्स को क्या बोलेंगे, इंडिया स्टैक, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक 159 थी, और ये जो रैंक है, ये जो इंडेक्स है, वो रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, 159, पाकिस्तान की रैंक 152nd, श्रीलंका की रैंक 150, नंबर वन पे नॉर्वे, नंबर टू पे अपना फेमस डेनमार्क, और नंबर थ्री पे कौन है, नंबर थ्री पे स्वीडन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थी सिटीज रिपोर्ट 2024 रिवील्स मुंबई एंड दिल्ली डेब्यू अमंग द वर्ल्ड्स वेल्थीस्ट सिटी, मुंबई और दिल्ली की रैंक कितनी है, ये पूछा है, ठीक है। तो टोटल 80 स्लाइड है, और मेरे को लगभग 8 से 10 घंटे लगे हैं दोस्तों। मैं मार्च से लेके 7 सितंबर तक के जितने भी इंडेक्स वगैरह थे जो इंपॉर्टेंट है वो सारे लेके आ गया हूँ, तो आपको इसके अलावा इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, बस आप चैनल को जल्दी से 25,000 तक ले जाओ, सारे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो देखो हेनले पार्टनर्स की अभी वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट आई थी, उसमें मुंबई और दिल्ली की रैंक कितनी, मुंबई की है 24th, दिल्ली की है 37, ठीक है, हेनले पार्टनर्स की रैंक के अकॉर्डिंग, वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज में से नंबर वन पे कौन सी है, न्यूयॉर्क सिटी, नंबर टू पे द बे एरिया, फिर टोक्यो सिटी, ये टॉप 9 है, टॉप 3 याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा वापस देख लेते हैं, अभी जो अभी नेस्कॉम की एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पेटेंट किसने फाइल किए हैं, पेटेंट फाइल किसने किए, वो किए हैं नंबर वन पे तमिलनाडु, नंबर टू पे महाराष्ट्र, नंबर थ्री पे यूपी, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक 159 है, पाकिस्तान में प्रेस की ज़्यादा छूट है 152nd, श्रीलंका को 150, नंबर वन पे नॉर्वे, नंबर टू पे अपना भाई डेनमार्क, नंबर थ्री पे स्वीडन। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स लॉन्च किया है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव पे। ध्यान से सुनना, अपने आप वीडियो से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। फिर एक बार आप पीडीएफ से रिवाइज करोगे फिर तो आपको 100% याद हो जाएगा। फिर डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 10 मिनट देखना है, और जो टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ उसी को ऐसे ही करो, आप डेली 10-10 मिनट सारी पीडीएफ को रिवाइज करो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, और डेली इनको 10-10 मिनट दो ना, तो एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्लस मंथ वाइज करंट अफेयर भी आप पढ़ते रहो, तो टॉपिक वाइज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर फाइव, मैं आपको बुक एंड ऑथर की दूंगा, आईआईटी रिलेटेड न्यूज़ दूंगा, मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज़, ओलंपिक, सारी चीज़ें दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि अकेला आदमी हूँ मैं, साथ में टीम है, बट ये टॉपिक वाइज के लिए ये मुझे ही बनाना पड़ रहा है सर्च करके, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। एज पर इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट, विच स्टेट हैज इमर्ज एज टॉप स्टेट इन टोटल मनी फ्लो फॉर फिस्कल ईयर 23-24 इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टर्म में कौन सा स्टेट टॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा मनी फ्लो हुआ है इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा मनी फ्लो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में हुआ है, उसके बाद हुआ है हरियाणा में। तो टॉप ही याद रखना है, टॉप पे सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुए हैं, मनी फ्लो हुआ है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर हुआ कर्नाटक में। अभी सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किसने किए हैं, मैक्सिमम पेटेंट, तो वो किए हैं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। नंबर टू पे कौन है, नंबर टू पे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मनी फ्लो है वो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे टॉप पे है। और तीसरे पे कौन सा जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके अलावा अभी वेल्थी सिटीज रिपोर्ट आई थी, वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट आई थी किसके अकॉर्डिंग, वो है हेनले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, हेनले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें इंडिया की दो कंट्री टॉप 100 में है, ठीक है, उसमें मुंबई की रैंक कितनी है,
मुंबई है 24th नंबर पे, दिल्ली है 37th नंबर पे। यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। और नंबर वन पर न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। विच कंट्री इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन माइग्रेंट्स अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2024। आई ओ एम के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री टॉप डेस्टिनेशन है इंडियन माइग्रेंट्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा इंडियन जाते हैं यूएई में, 3.47 मिलियन, फिर उसके बाद यूएई के बाद यूएसए, और थर्ड नंबर पे सऊदी अरब, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ से। सबसे ज़्यादा और इंडिया के अंदर जो माइग्रेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा, वो आते हैं बांग्लादेश से 3.2 मिलियन, फिर पाकिस्तान से 1.1, फिर नेपाल से 540,000, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू सबसे ज़्यादा जो मनी फ्लो हुआ है, मनी फ्लो एज पर इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट, वो हुआ है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, नंबर टू पे है कर्नाटक, ठीक है, क्लियर। अभी इसके अलावा देखें सबसे ज़्यादा जो पेटेंट फाइल हुए हैं, पेटेंट फाइल तमिलनाडु ने किए सबसे ज़्यादा, फिर किए महाराष्ट्र ने, फिर किए यूपी ने, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी हेनले एंड पार्टनर्स की, उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई थी, वेल्थिस्ट सिटी रिपोर्ट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है मुझे पता है। वेल्थिस्ट सिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24th रैंक है मुंबई की, ठीक है, और दिल्ली की रैंक कितनी है, दिल्ली की है 37। लास्ट में एक साथ जो इंपॉर्टेंट है ना, एक दो स्लाइड में मैं याद करवाऊंगा, पूरी वीडियो देखना, लास्ट में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया सरपासेस विच कंट्री एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। तो सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट करने में इंडिया थर्ड नंबर पर आ गया, जापान को पीछे छोड़ के, ठीक है। नंबर वन पे चाइना, नंबर टू पे यूएसए, और नंबर थ्री पे इंडिया। और सोलर एनर्जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसमें 5.5% कंट्रीब्यूट किया सोलर एनर्जी ने, ठीक है। अब बात करें जो इंडियन माइग्रेंट्स का टॉप जो डेस्टिनेशन वो कौन सी कंट्री है, वो यूएई। यूएई में 3.7 मिलियन इंडियन जाते हैं, 3.47। नंबर टू पे यूएसए, ठीक है। नंबर थ्री पे सऊदी जाते हैं सबसे ज़्यादा, सऊदी अरेबिया। नंबर थर्ड पे और इंडिया में सबसे ज़्यादा आते हैं बांग्लादेश से, फिर आते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। और इंडिया ने सोलर पावर जनरेशन में जापान को पीछे छोड़ दिया, नंबर वन पे चाइना, नंबर टू पे यूएसए, और नंबर थ्री पे इंडिया। नेक्स्ट, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है इन 2024 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2000 रैंकिंग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की 2000 की रैंकिंग गई है, उसमें कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, तो वो किया है आई एम अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद की रैंक है 410, ठीक है। IIT बॉम्बे की 568, IIT मद्रास की है 582, IIC बेंगलोर की 501 है। नंबर वन पे कौन सी कंट्री है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, नंबर वन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये लगातार 13वें साल तक टॉप पे है। तो क्वेश्चन अगर घुमाया जाए तो ये पूछा जा सकता है कौन से साल में इन्होंने टॉप किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा अभी सोलर पावर जनरेशन में टॉप थ्री कंट्री कौन सी है, चाइना, नंबर टू पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया आ गई है, इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। प्लस उसके अलावा टॉप डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है इंडिया के लिए, इंडियन माइग्रेंट्स के लिए, तो वो है यूएई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच यूनिवर्सिटी टॉप अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी इन द यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ठीक है। यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, उसमें कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 के अंदर है, टॉप पे है इंडिया के अंदर से, तो वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कोट्टायम में है, MGU कोट्टायम केरला में है, इसकी रैंक है 81st, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर कौन सी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, वो 96 नंबर पे है ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। और नंबर वन पे नैन यंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, ठीक है, वो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप पे है। उसके अलावा अभी अपन ने एक और रैंकिंग पढ़ी थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000, ठीक है, ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2024 वाली रैंकिंग का नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर IIM अहमदाबाद टॉप पे है,
अहमदाबाद टॉप पे है, उसकी रैंक भी 410 है वर्ल्ड में, ठीक है। और वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 13वें साल तक टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, हु टॉप्ड ग्लोबल फाइबर कनेक्टिविटी विद 99.3% पेंट्रेशन। तो FTTH में सबसे ज्यादा पेंट्रेशन कौन सी कंट्री का है फाइबर कनेक्टिविटी में? तो वो है UAE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सबसे ज्यादा। और ये UAE 8वीं बार लगातार टॉप पे आया है, ठीक है, FTTH, ठीक है। UAE वंस अगेन बीन रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल लीडर इन फाइबर टू होम पेंट्रेशन, ठीक है। नंबर टू पे कौन सी कंट्री है? नंबर टू पे सिंगापुर है 97.1%, हांगकॉन्ग है नंबर थ्री पे, फिर चाइना है, फिर साउथ कोरिया है, ठीक है। टॉप थ्री तो आपको याद रखने ही है। अब इसके साथ ही अपन वापस देख लेते हैं जो सोलर पावर जनरेशन हुआ है। सोलर पावर जनरेशन में नंबर वन पे चाइना है, ठीक है, नंबर टू पे यूएस है, और थ्री पे जापान था, उसको इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 159 है, पाकिस्तान की रैंक 152 है, श्रीलंका की रैंक 100, पाकिस्तान की रैंक 152, श्रीलंका की रैंक 150 है। नंबर वन पे नॉर्वे, नंबर टू पे डेनमार्क, नंबर थ्री पे स्वीडन। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 विद 118.4 बिलियन डॉलर। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन सा है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर बात करें तो वो है चाइना, और यूएसए सेकंड नंबर पे 118.3 बिलियन डॉलर, और थर्ड नंबर पे यूएई 83.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली फाइबर कनेक्टिविटी में, फाइबर कनेक्टिविटी में कौन सी कंट्री टॉप पे है, ठीक है, 99.3% के साथ यूएई टॉप पे है। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री है? सेकंड नंबर पे सिंगापुर 97% के आसपास, सिंगापुर, ठीक है। अभी दो रैंकिंग आई थी, एक तो आई थी द यूथ यूनिवर्सिटी, यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे टॉप 100 में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरला में है, उसकी रैंक है 81st, ठीक है। और दूसरी एक और यूनिवर्सिटी थी अन्ना, अन्ना रसकला, अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो चेन्नई के अंदर है तमिलनाडु में, उसकी रैंक थी 96। और नंबर वन पे कौन सी है? नंबर वन पे है नैनयांग यूनिवर्सिटी, नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर, ओके। और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? वो है चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे, एज पर द फिफ्थ एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, विच स्टेट टॉप द ओवरऑल SEII स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो टॉप क्या है? कर्नाटक, ठीक है। अब स्टेट का इंडेक्स याद कर लेते हैं। मैक्सिमम पेटेंट किसने फाइल किए हैं? मैक्सिमम पेटेंट फाइल किए तमिलनाडु ने। नंबर टू पे किसने किए? महाराष्ट्र ने। नंबर थ्री पे यूपी ने। और अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा मनी फ्लो कौन से स्टेट में हुआ? वो है महाराष्ट्र में नंबर वन पे, नंबर टू पे कर्नाटक, और नंबर थ्री पे हरियाणा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर को उसी तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। केवल टॉपिक वाइज पे बेस नहीं रहना है, आपको मंथली वीडियोस भी देखनी है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कल आपको जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जितना होगा उतना मैं करवाऊंगा। देखो मैं अपना सब कुछ दे चुका हूँ आप लोगों के लिए, मैं लास्ट एक महीने से सेम रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम। बैंक से आना जाना, खाना खाना और काम करना, बाकी कोई लाइफ, सोशल लाइफ खत्म कर दी मैंने बिल्कुल। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, एज पर द रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अचीव अ नेट वर्थ ऑफ 100 बिलियन डॉलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी वुमेन है, फर्स्ट वुमेन कौन बनी है जिसने 100 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ को अचीव किया है? तो वो है लोरियल के हेड, वो है बेटनकोर्ट मेयर्स जो फ्रांस के हैं, ठीक है, और लोरियल कंपनी के हेड हैं, ठीक है। इनकी काम लोरियल कंपनी इन्हीं की है। अब लोरियल के ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली कौन बने थे, अभी करंट अफेयर में पढ़ा था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना सारे लोग, ओके, क्लियर हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। अभी बात करें
रिसेंटली स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स आया था, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, इसको टॉप किसने किया था? टॉप किया था कर्नाटक ने। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन होगा, बट सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे अच्छे से आप याद करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, $118.4 बिलियन। नंबर टू पे यूएसए, नंबर थ्री पे यूएई। ठीक है, यूएई किसमें टॉप है? इस टाइप से आपको रिलेट करना है, जैसे जो स्टेट आया यूएई टॉप किसमें? फाइबर टू होम पेंट्रेशन, फाइबर कनेक्टिविटी में 99.3% पेंट्रेशन है यूएई में। नंबर टू पे सिंगापुर 97% के साथ। इस टाइप से रिलेट करना है, मैंने कितनी बार बोला है रिलेट कैसे करना है आपको। अभी एक इंडेक्स आया था संडे, टाइम रिच लिस्ट 2024, उसको टॉप किसने किया है? बहुत टाइप के इंडेक्स मिलेंगे आपको अलग अलग, इसलिए एक जगह होंगे ना तो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो संडे टाइम रिच लिस्ट 2024 के इंडेक्स आया, उसमें टॉप किसने किया? टॉप किया है गोपी हिंदू जैन फैमिली ने। ठीक है, नंबर टू पे सर लियोनार्ड ब्लेवटनिक। ठीक है, और नंबर एट पे लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली। कौन से नंबर पे? नंबर एट पे, इसलिए यहाँ लिखा है इनको, काफी फेमस आदमी है, आर्सेनल निप्पॉन कंपनी की है मित्तल वाली, और उससे भी इंपॉर्टेंट आदमी है ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति, नारायण मूर्ति की डॉटर है, उनकी रैंक कितनी है? 245th। और इनको इसलिए बताया क्योंकि किंग चार्ल्स से भी ऊपर है, किंग चार्ल्स की रैंक है 258। तो क्वेश्चन अगर घुमाने आए तो यहाँ से भी घुमाया जा सकता है, इसलिए पर अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट चीज़ें पढ़ ली तो क्वेश्चन फिर कितना ही घुमा लो आप कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी बात करें, ब्लूमबर्ग इंडेक्स आया था, ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स आया था, बिलीनियर इंडेक्स, उसमें कौन सी पहली वुमेन है जिसकी नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है? वो कौन है? उनका नाम है बेटनकोट मेयर्स। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो लोरियल के हैं, कंट्री इनकी ध्यान रखनी है जो फ्रांस है। ठीक है, और अभी 2024 का संडे टाइम रिच लिस्ट आया है, उसको टॉप किया है गोपी हिंदू जैन फैमिली ने, 37.19 बिलियन यूरो इनकी नेटवर्थ है। नंबर टू पे लियोनार्ड ब्लेवटनिक। ठीक है, नंबर एट पे लक्ष्मी मित्तल, ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की रैंक है 245, किंग चार्ल्स की रैंक है 258। ठीक है, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, आराम से करवा रहा हूँ, मुझे पता है बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट होता है, लोगों को याद नहीं रह पाते, इसी वजह से टाइम लगेगा थोड़ा। स्टेट इंडेक्स भी मैंने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी बहुत अच्छे से याद करी है, जिन्होंने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट बाय फोर्ब्स। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग? तो इसमें किंग कोहली का भी नाम है। ठीक है, तो हाईएस्ट पेड तो रोनाल्डो साहब है, एक सेकेंड, रोनाल्डो साहब है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं, $260 मिलियन इनकी नेटवर्थ, हाईएस्ट पेड एथलीट। जॉन राम ये गोल्फ के प्लेयर हैं, इनकी $218 मिलियन। लियोनल मेसी $135 मिलियन, लेब्रोन जेम्स फोर्थ नंबर पे हैं। ठीक है, और किंग कोहली अपने 9th नंबर में वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड एथलीट में। पूछ सकते हैं इस टाइप से भी, विराट कोहली की रैंक कितनी है, क्योंकि आपको पता है IBPS पूरा पागल हो चुका है, जो उसके मन में आता है वो पूछता है, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है वो भी पूछता है। ठीक है, किंग कोहली तो इम्पोर्टेंट है, कैसे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया। ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें इंडिया की रैंक है 39। टॉप किसने किया ट्रेवल एंड टूरिज्म? इसमें यूएसए ने टॉप किया है, नंबर टू पे स्पेन, नंबर थ्री पे जापान। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 39 है। इंडिया का स्कोर कितना है? 4.23। ठीक है, अभी जापान को इंडिया ने सरपास किया था सोलर पावर जनरेशन पे। नंबर वन पे कौन सी कंट्री है? चाइना। नंबर टू पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया आ गया है, इंडिया ने जापान को रिप्लेस किया था। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, उसमें इंडिया की रैंक थी 159, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक कितनी थी, 152। श्रीलंका की रैंक थी 150, ठीक है। अब बात करें नंबर वन पे नॉर्वे, नंबर टू पे डेनमार्क, नंबर थ्री पे इसमें स्वीडन था। और अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ट्रेवल और टूरिज्म वाले में मोस्टली यूएसए ही टॉप पे आता है, फिर स्पेन सेकंड पे, थर्ड पे जापान, और इंडिया की रैंक 39th। और एक मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, एरर हो गई थी, मैंने बता दिया, सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ठीक है, जो वीडियो है गवर्नमेंट स्कीम वाली, उसमें कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर दिया है। सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एचयू एफ की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो है 4 किलो, ठीक है। ट्रस्ट के लिए ही मैक्सिमम लिमिट 20 kg है, वहां पे गलती हो गई मेरे से, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उससे पहले ये अपन ने देख लिया, यहाँ रिलेट कर लिया, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली इन द 2024 ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली की रैंक है 350, कितनी है 350 दिल्ली की रैंक, ठीक है। उसके अलावा बेंगलुरु कितने पे है, 411 पे है, और मुंबई 427 पे है, ठीक है। और 1000 पोजीशन पे है यूपी की सिटी है सुल्तानपुर। नंबर वन पे है न्यूयॉर्क, नंबर टू पे लंदन, नंबर थ्री पे सेंट जॉन्स। कौन सा इंडेक्स है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और इंडेक्स आया था जो मैंने बताया था आपको, उस इंडेक्स का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, हेनले एंड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स आया था, वेल्थी सिटी रिपोर्ट, वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट। उसमें मुंबई की रैंक कितनी है, मुंबई की रैंक 24 है, दिल्ली की रैंक कितनी है, उसमें दिल्ली की रैंक है 37। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली की रैंक है 350, मुंबई की रैंक कितनी है उसमें 427, बेंगलुरु की 411, ठीक है, और सुल्तानपुर 1000 नंबर। नंबर वन पे न्यूयॉर्क, नंबर टू पे लंदन, नंबर थ्री पे सेंट जोसेफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। दिस सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ सिटीज दैट हैव इम्प्रूव इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में टॉप पोजीशन रैंक को किसको मिली है, वो मिली है कानपुर को, ठीक है। कानपुर में जुबा केसरी बहुत चलती है, ठीक है। नंबर वन पे कानपुर है, उसके बाद थाने हैं, फिर दिल्ली है, तो सेकंड नंबर पे थाने हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, अभी अपन ने रिसेंटली जो सिटी वाले इंडेक्स देखे थे वो वापस देख लेते हैं एक बार। अब बात करें रिसेंटली यूथ, द यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, ठीक है, यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, द यूथ उसका नाम था। उसमें कौन सी कंट्री की 81st रैंक थी, वो थी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो केरला में, ठीक है। 96th रैंक थी अन्ना यूनिवर्सिटी की जो तमिलनाडु में है। टॉप पे थी नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर के अंदर, ओके। और उसके अलावा एक और रैंक थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000, ठीक है। उसमें टॉप पे थी आई एम अहमदाबाद, इंडिया के अंदर टॉप भी कहाँ था, 410 नंबर पे था, ठीक है। और ओवरऑल टॉप में था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 13th लगातार 13वें साल तक उन्होंने टॉप किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप इन द एडॉप्शन ऑफ JNAI अक्रॉस एशिया पैसिफिक बाय डेलोइट सर्वे। तो डेलोइट कंपनी का सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग JNAI जो अडॉप्शन है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में एशिया पैसिफिक के अंदर नंबर वन पे कंट्री कौन सी है, वो इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया ने जापान को रिप्लेस किया सोलर पावर जनरेशन में, उसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, उसमें टॉप पे है चाइना, नंबर टू पे उसमें USA है, ठीक है। अभी एक इंडेक्स आया था ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक 39 थी। नंबर वन में उसमें USA था, नंबर टू पे स्पेन था, ठीक है, और नंबर थ्री पे कौन सी कंट्री थी, नंबर थ्री पे थी जापान, ठीक है। ये इंडेक्स कौन देता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कोलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है,
ठीक है, इसके अलावा अभी बात करें, फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट की रैंकिंग आई थी, वर्ल्ड फोर्ब्स की अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एथलीट, हाईएस्ट पेड एथलीट में कौन है नंबर वन? नंबर वन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, $260 मिलियन। नंबर टू पे है जॉन राम और विराट कोहली की रैंक है 9 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज रीच्ड ए हिस्टोरिक $5 ट्रिलियन। विद दिस इंडिया हैज बिकम विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो BSE के ऊपर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन क्रॉस हो गई है, ठीक है? तो उसकी वजह से इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन में 5th नंबर पे आ गया है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया की ट्रेंड $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। इसमें नंबर वन पे USA, नंबर टू पे चाइना, नंबर थ्री पे जापान और नंबर फोर में हांगकांग है, ठीक है? ये चार ही आप चारों आपको याद होनी चाहिए। एक सेकंड, मच्छर परेशान कर रहे हैं बट अपन नहीं रुकेंगे, मच्छर से कुछ नहीं होता है, ठीक है? ना बात करें जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में नंबर वन पे कौन सी कंट्री है? नंबर वन पे है इंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड 6th एडिशन ऑफ हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024? तो हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट आई है अभी, उसमें उसका 6th एडिशन था, उसको टॉप किसने किया? टॉप किया लंदन बेस्ड एक आर्टिस्ट है, अनीश कुमार, अनीश कपूर सॉरी, उन्होंने किया है। नंबर टू पे गुलाम मोहम्मद शेख जो गुजरात से हैं, अर्पिता सिंह है दिल्ली से, ठीक है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन, उससे पहले अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया की रैंक कौन सी होगी? 5th नंबर पे है, $5 ट्रिलियन को इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। नंबर वन पे USA, नंबर टू पे चाइना, नंबर थ्री पे जापान, जापान को इंडिया ने सोलर एनर्जी में रिप्लेस किया है, नंबर फोर पे है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर द रिसेंटली डेटा रिलीज बाई DPIIT, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द टॉप इन्वेस्टर विद $11.77 बिलियन FDI फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24 इन इंडिया? सबसे ज्यादा FDI इंडिया में कौन सी कंट्री से आया है? 11.77, या ऑप्शन ए कर लेना, ठीक है? तो सबसे ज्यादा FDI इंडिया में आया है सिंगापुर से, कितना आया है? 11.77, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल जो FDI आया है वो कम हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 से, ठीक है? सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा मॉरिशस से आया, $7.97 बिलियन। थर्ड पे USA है, $4.99 बिलियन। फोर्थ पे नीदरलैंड है, फिफ्थ पे जापान है, ठीक है? और इंडिया का टोटल जो FDI आया है वो है $44.4 बिलियन, 2023 में था $46 बिलियन, तो कम हो गया है काफी। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आया? महाराष्ट्र में आया, फिर कर्नाटक में आया। और अगर फील्ड की बात करें, सबसे ज्यादा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर फील्ड में आया, $7.97 बिलियन। कंट्री की बात करें तो $11.77 बिलियन सिंगापुर में आया सबसे ज्यादा, ठीक है? अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स किसने रिलीज किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 39, ये इंडिया की रैंक थी, ठीक है? नंबर वन पे उसमें USA था, नंबर टू पे स्पेन था, नंबर थ्री पे कौन था? नंबर थ्री पे जापान था, ठीक है? जापान को इंडियन सोलर पावर जनरेशन में रिप्लेस किया है, ठीक है? उसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है जिसको रिलीज किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, उसमें इंडिया की रैंक है 159। उसमें पाकिस्तान की रैंक है 152, इंडिया से भी अच्छी है, इसीलिए पाकिस्तान की रैंक याद करवा रहा हूँ। श्रीलंका में 150 रैंक है। नंबर वन पे वहाँ पे नॉर्वे है, नंबर टू पे अपना फेवरेट डेनमार्क, और नंबर थ्री पे स्वीडन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओनली इंडियन पोर्ट टू बी फीचर्ड इन द टॉप 20 रैंकिंग्स? तो कौन सा पोर्ट है इंडिया का जो टॉप 20 रैंकिंग में आया है अभी वर्ल्ड बैंक का कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर? तो 19वीं रैंक है विशाखापट्टनम कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट पोर्ट की, ठीक है? 90th रैंक है। नंबर वन पे चाइना का पोर्ट है, ठीक है? नंबर वन पे येंगशेन पोर्ट है जो चाइना का है। नंबर टू पे सलाला पोर्ट है ओमान के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन से पोर्ट है? जैसे मुंद्रा पोर्ट 27वें नंबर पे है,
पीपावाव पोर्ट जो गुजरात में राजूला के अंदर है, राजकोट के अंदर, ये पहला प्राइवेट पोर्ट बना था, 41 नंबर पे है। कामराजार पोर्ट है 47 नंबर पे, कोचीन 63 नंबर पे। और भी पोर्ट है टॉप 100 के अंदर एक दो, पर मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, अच्छे से मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें रिसेंटली, अब FDI वाला याद कर लेते, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सिंगापुर से आया है। कितना आया है? $11.77 बिलियन। नंबर टू पे मॉरिशियस है। कितना मॉरिशियस से आया है? मॉरिशियस से आया लगभग $7.97 बिलियन। नंबर थ्री पे यूएसए, यूएसए से आया $4.99 बिलियन। नंबर फोर पे नीदरलैंड, यहाँ पांच तक याद रखनी है। और नंबर फाइव पे है जापान, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आया है, उसके बाद कर्नाटक में। टोटल जो FDI आया है फाइनेंशियल ईयर 24 में वो है $44.4 बिलियन। और फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना आया था? 23 में आया था $46 बिलियन। तो ध्यान रखना है पिछले साल का भी। और सबसे ज़्यादा है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में आया है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में कितना आया? $7.97 बिलियन। जितना मॉरिशस से आया उतना कंप्यूटर में आया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिलीज किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, का 18वां एडिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 129। कितनी है? 129। ठीक है, नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे ठंडा प्रदेश होगा तो वो है आइसलैंड, ठीक है। नंबर टू पे फिनलैंड, नंबर थ्री पे नॉर्वे, ठीक है। बांग्लादेश की रैंक इंडिया से काफ़ी बेटर है, 99। नेपाल 111, श्रीलंका 125, भूटान 124, पाकिस्तान की 145। और बहुत बार एग्जामिनर ने जो एशियन कंट्री है जो इंडिया से बेटर है उनके बारे में पूछा है, इसीलिए अपन को इंडिया की जो आसपास की कंट्री है उनकी रैंक याद रखनी है जो इंडिया से बेहतर है, ठीक है। ध्यान रखना, वापस याद करवा दूंगा मैं आपको आगे चलते चलते सारी ये चीज़। उससे पहले अपन देखें नॉर्वे किस में टॉप था, इस टाइप से रिलेट करो। तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें नंबर वन पे नॉर्वे था, नंबर टू पे डेनमार्क था, नंबर थ्री पे स्वीडन था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 159, पाकिस्तान की रैंक थी 152, श्रीलंका की थी 150। एक और इंडेक्स आया था ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक थी 39। उसको टॉप किया था यूएसए, फिर स्पेन और थर्ड नंबर पे था जापान, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, उसमें इंडिया की रैंक है 129, नंबर वन पे आइसलैंड, नंबर टू पे फिनलैंड, नंबर थ्री पे नॉर्वे, ठीक है। बांग्लादेश की रैंक है 99, नेपाल की 111, श्रीलंका की 125, भूटान की 124, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है ये पूछा है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 116, ठीक है। काफ़ी शांत देश होगा ये भी। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जो कंट्री है वही टॉप पे है, तो जेंडर गैप और पीस दोनों में आइसलैंड टॉप है, और इंडिया की रैंक 116 है। आयरलैंड नंबर टू पे है, ऑस्ट्रिया नंबर थ्री पे, न्यूजीलैंड नंबर फोर पे है, सिंगापुर फाइव। पीस के अंदर इंडिया से काफ़ी ऊपर है बहुत सारी कंट्री, वो भी देखते हैं। तो वो है भूटान 21 नंबर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल 81 पे है, बांग्लादेश 93 पे, श्रीलंका 100 पे है, इंडिया 116 पे, पाकिस्तान 140 पे, अफगानिस्तान 107। पाकिस्तान बस प्रेस में इंडिया से आगे है, बाकी इनकी नहीं है इतनी कि इंडिया से आगे जाएगा, ठीक है। अब बात करें उसके अलावा, अभी अपन ने पढ़ा था जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 129, उसमें टॉप पे है आइसलैंड, नंबर टू पे फिनलैंड, नंबर थ्री पे है नॉर्वे, ठीक है। और पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116 है, आयरलैंड आइसलैंड, फिर नंबर टू पे आयरलैंड, नंबर थ्री पे ऑस्ट्रिया, नंबर फोर पे न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर। तीन याद रखो, पांच तक याद रखना बहुत मुश्किल होगा। साउथ एशिया की बात करें तो भूटान की रैंक 21 है, नेपाल की 81 है, बांग्लादेश की 93, श्रीलंका की 100, ठीक है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो आसपास की कंट्री है उनकी रैंक कितनी है? तो देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की 129 है, बांग्लादेश की 99 है, नेपाल की 111 है, भूटान की 124 है, श्रीलंका की 125, ठीक है, याद रहेगी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द 2024 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स,
इंडिया हैज रैंक्ड 176 पोजीशन आउट ऑफ 180 कंट्रीज, विच कंट्री टॉप द इंडेक्स, तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये किया है एस्टोनिया ने, ठीक है, स्कोर है 75.3, नंबर टू पे लग्जमबर्ग, नंबर थ्री पे जर्मनी, ठीक है। अब याद करें अपन पहले दो इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और साथ में याद करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स, दो इंडेक्स एक साथ याद करेंगे अपन तब अच्छे से याद है। जेंडर गैप में इंडिया करेंगे 129, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया करेंगे 116, जेंडर गैप में नंबर वन पे आइसलैंड, ठीक है, नंबर टू पे फिनलैंड, नंबर थ्री पे नॉर्वे, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी नंबर वन पे आइसलैंड ही है पर नंबर टू पे है आयरलैंड, ठीक है, और नंबर थ्री पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर थ्री पे कौन है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे एशियन कंट्री की बात करें तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ठीक है, उसमें बांग्लादेश की रैंक कितनी है, बांग्लादेश 99 पे है, नेपाल 111 पे, जहाँ इंडिया 129 पे है, ठीक है, श्रीलंका 125 पे, भूटान 124 पे, ठीक है। अब बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस इंडेक्स में भूटान की रैंक कितनी इंप्रेसिव है, इंडिया की 116 है, भूटान की 21 मात्र, नेपाल की भी कितनी इंप्रेसिव है पीस में 81, बांग्लादेश 93 है, श्रीलंका की 100 है, ठीक है, और अभी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी 176, 180 में से नंबर वन पे एस्टोनिया, ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पे भी साउथ एशिया की रैंकिंग है वो भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि इस इंडेक्स में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में लास्ट पे कौन है, लास्ट में है वियतनाम, ठीक है, पाकिस्तान 179 पे, इंडिया 176 पे है, 2022 में इंडिया 180 पे था, म्यांमार इंडिया के बाद 177, फिर लाओस है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कौन से स्टेट ने अभी टॉप किया है, फर्स्ट रैंक मिली है अवार्ड फॉर द हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नंबर वन पे कौन से स्टेट है, तो वो है गुजरात, गज्जूभाई है, ठीक है, गज्जूभाई 10,415 मेगावाट, नंबर टू पे तमिलनाडु 10,124, पहले तमिलनाडु आ गया था बट अभी जस्ट गुजरात ने सरपास किया तमिलनाडु, नंबर थ्री पे है कर्नाटक, नंबर फोर पे राजस्थान, ठीक है, टॉप टू की याद रखनी है कितना, ये पूछ भी सकते हैं कि गुजरात की विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 10,415 मेगावाट, तमिलनाडु की 10,124 मेगावाट, ठीक है, तमिलनाडु टॉप पे क्यों था, क्योंकि मैक्सिमम जो पेटेंट फाइल की है, पेटेंट फाइल्ड वो तमिलनाडु ने की है, उसके बाद महाराष्ट्र ने की है, ठीक है, महाराष्ट्र न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो मनी फ्लो हुआ है सबसे ज़्यादा वो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, और फर्स्ट रैंक किसकी है हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में, तो वो है गुजरात, कितनी कैपेसिटी 10,415 मेगावाट, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अपन, और अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक इंडेक्स दिया था, स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंसी इंडेक्स दिया था, ठीक है, उसमें नंबर वन पे कौन सा स्टेट था, वो था कर्नाटक, तो स्टेट इंडेक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और विंड पावर के अंदर इंडिया कौन से नंबर पे, फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अभी आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में उसमें इंडिया की रैंक है 63, एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया की रैंक 63 है आउट ऑफ 120, नंबर वन पे स्वीडन है, नंबर टू पे डेनमार्क, मैंने बोला था डेनमार्क टू पे ही आएगा, नंबर थ्री पे फिनलैंड, और 64th पे इंडिया से भी आगे है सिंगापुर, इसलिए सिंगापुर मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो अब रिसेंट वाले सारे एक बार याद करते हैं, ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले ही रिवाइज करवा रहा हूँ ज़्यादा। अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, इंडिया की रैंक 159, ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स इंडिया की रैंक 39 है, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप उसमें इंडिया की रैंक है 129, पीस इंडेक्स आया है, पीस इंडेक्स उसमें इंडिया की रैंक है 116, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है जिसमें एस्टोनिया ने टॉप किया है, उसमें इंडिया की रैंक है 176, ठीक है, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63 इंडिया की रैंक। प्रेस फ्रीडम में कौन टॉप है, नॉर्वे, नंबर टू पर डेनमार्क और नंबर थ्री पर स्वीडन,
ट्रेवल एंड टूरिज्म में यूएसए टॉप पे, फिर स्पेन है, फिर जापान है। जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पे है, फिर फिनलैंड है, फिर थर्ड नंबर पे है फिनलैंड के बाद वो है नॉर्वे। और पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पे है, सेकंड नंबर पे आयरलैंड है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रिया है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया नंबर वन पे है, दूसरे पे है लग्जमबर्ग, और ठीक है, और थर्ड पे है जर्मनी। और अभी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में नंबर वन पे 63rd पे है इंडिया की रैंक, नंबर वन पे स्वीडन है। कौन है नंबर वन पे? स्वीडन, ठीक है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में थर्ड नंबर पे है वो है। और डेनमार्क नंबर टू पे है वहाँ पे, और फिनलैंड ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें सेकंड नंबर पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 हैज हाईलाइटेड ए 43% डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया इन 2023, ड्रॉपिंग इंडियाज रैंक टू 15th अमंग ग्लोबल एफडीआई रिसिपेंट। जो भी एफडीआई रिसिपेंट है उसमें इंडिया की रैंक 15 हो गई है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना एफडीआई डिक्रीज हुआ है? 43%। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये दी है अंकटाड ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया की रैंक 15 है, नंबर वन पे यूएसए, नंबर टू पे चाइना, नंबर थ्री पे सिंगापुर, एफडीआई रिसिपेंट में सबसे ज्यादा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 का आया है अभी, उसमें मोस्ट लिवेबल सिटी थर्ड कंजुगेटिव ईयर पे वो बनी है ऑस्ट्रिया की वियना। तो ये इंडेक्स किसने रिलीज किया? ये किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक 141 है। इंडिया का दिल्ली और मुंबई दोनों ही 141 पे है, वियना ऑस्ट्रिया का ये थर्ड कंजुकेटिव ईयर पे टॉप पे है। इसका स्कोर 98.4। नंबर टू पे वापस डेनमार्क, मैंने बोला था डेनमार्क टू पे ही है, कोपेनहेगन का डेनमार्क, कोपेनहेगन है सिटी। नंबर थ्री पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान 169 पे है, पाकिस्तान की कराची सिटी, ठीक है। इंडिया की 141st है। आगे चलें, उससे पहले एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक 63rd, नंबर वन पे है स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन में, नंबर टू पे लग्जमबर्ग, नंबर थ्री पे है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। IMF, यहाँ पे इफेक्ट लगाना रह गया। IMF ने रिसेंटली रिलीज किया था AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड, ये तो मैंने बहुत बार याद कराया। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किसने किया? टॉप किया सिंगापुर ने, सिंगापुर का स्कोर था 0.8। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर टू पे डेनमार्क, अपना फेवरेट डेनमार्क, सेकंड पोजीशन नहीं छोड़ेगा। डेनमार्क ने बोला भैया मैं यहाँ से नहीं हूँ। नंबर थ्री पे यूएसए है AI इंडेक्स के अंदर, नंबर फोर पे नीदरलैंड है। इंडिया की रैंक 72nd है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें तीन कैटेगरी है, ठीक है। तीन मेन कैटेगरी है, एडवांस इकोनॉमी कैटेगरी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी, और थर्ड है लो इनकम कंट्री। तो इंडिया है EM कैटेगरी में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, सॉरी, इंडिया का जो रैंक है 0.49 है, ठीक है। और इंडिया एशिया में सेकंड नंबर पे है, इंडिया से आगे चाइना है जिसका स्कोर 0.63 है, और चाइना की रैंक है 31st, इंडिया की रैंक है 72nd। टॉप किया है सिंगापुर ने, नंबर टू पर डेनमार्क, नंबर थ्री पर यूएसए, ठीक है। अब बात करें डेनमार्क किस किस में सेकंड नंबर पर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, कौन सा इंडेक्स आया था? लिवेबिलिटी इंडेक्स, उसमें वियना ने टॉप किया था। लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, नंबर वन पे वियना सिटी थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, नंबर टू पे है डेनमार्क की कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन। इंडिया की रैंक कितनी है उसमें? 141 इंडिया की रैंक है। और नंबर थ्री पे कौन सी कंट्री है उसमें? नंबर थ्री पे ज्यूरिख डेनमार्क, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भी डेनमार्क नंबर टू पे है। तो डेनमार्क ने क्लियर कर दिया है अपने स्टांस कि मैं यहाँ से नहीं हिलूँ, मैं हिलेगा नहीं इस साल, ठीक है। नेक्स्ट 32nd पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट अकाउंटिंग फॉर ओवर 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है कौन सी कंट्री में हो रहा है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट? तो वो हो रहा है सबसे ज़्यादा यूएसए में, फिर इसराइल में, फिर हो रहा है यूके में, ठीक है। तीन कंट्री है। उसके अलावा अपन बात करें IMF का AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया है, उसमें इंडिया की रैंक 72nd है, इंडिया का स्कोर है 0.49। इंडिया है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी है, लो इनकम कंट्री, एडवांस इकोनॉमी और इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी, ठीक है। चाइना की रैंक है 31,
चाइना का रैंकिंग पॉइंट स्कोर है 0.63, नंबर वन पे सिंगापुर जिसका स्कोर है 0.80, नंबर टू पे डेनमार्क, नंबर थ्री पे यूएसए। यूएसए टॉप किस में है? ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक 39th है उसको टॉप किया है यूएसए ने, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया 5th है उसमें भी यूएसए टॉप है। अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, विच सिटी वॉज डिफाइंड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग? तो मुंबई है इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, मुंबई की रैंक है 136, ठीक है। टॉप थ्री कौन सी है? टॉप थ्री है हांगकॉन्ग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन चाइना के अंदर है, नंबर टू पर सिंगापुर, नंबर थ्री पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ये टॉप थ्री कंट्री है, सबसे कॉस्टलीस्ट कंट्री है सिटी है। और इंडिया की जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी के अंदर इंडिया की रैंक है 136, ठीक है। अब बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, लिवेबिलिटी इंडेक्स सिटी इंडेक्स आया था, उसमें वियना नंबर वन पे है थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, सेकंड नंबर पे है कोपेनहेगन, डेनमार्क की सिटी है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 141, एक सेकंड इरेज नहीं हो रहा है, इंडिया की रैंक 141 है 141st। और उसमें टॉप पे कौन कौन है? मुंबई और दिल्ली दोनों की रैंक कितनी है? और मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स रैंकिंग आई है उसमें मुंबई 136 नंबर पे है। टॉप पे कौन है? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकॉन्ग का, सिंगापुर, थ्री पे स्विट्जरलैंड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस द न्यू वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स टू एस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सोइल क्वालिटी असेसमेंट? तो सोइल क्वालिटी असेसमेंट के लिए न्यू वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ये किया है यूनेस्को ने, ठीक है। एक सेशन अपन करेंगे यूनेस्को, अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हुई है उसका, वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा एग्जाम, ठीक है। तो वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स किसने लॉन्च किया? यूनेस्को ने। कहाँ किया है? अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है सोइल के ऊपर, कहाँ हुई है ये क्वेश्चन ये भी बन गया, अगादिर मोरक्को में, वहीं पे ये रिलीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, उससे पहले एक सेकंड थोड़ा ब्रेक पानी पी लेता हूँ मैं। दो घंटे लगेंगे आपको याद करने में, वीडियो देखोगे प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट कौन सा पढ़े अपन, ओलंपिक पढ़े टॉपिक वाइज में, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं रोज रोज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है यार, ठीक है। इसको बनाने में 7 से 8 घंटे लग गए, छांट छांट के लाने पड़े। नेक्स्ट 35 पे चलते हैं। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपेट्रिएट्स और इमिग्रेंट्स? इमिग्रेंट्स के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी है, जहाँ सस्ती कंट्री है? इस पर द एक्सपेट इनसाइडर 2024 सर्वे फॉर द पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी कंडक्टेड बाई इंटरनेशनल्स। तो एक्सपेट इनसाइडर 2024 के सर्वे के अकॉर्डिंग मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन है इमिग्रेंट्स के लिए? तो वो है वियतनाम, ठीक है। उसके बाद बात करें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया है 6th नंबर पे, ठीक है। और कोलंबो पहले 7th नंबर पे था, उसकी रैंक इंप्रूव हो गई, 2nd नंबर पे आ गया कोलंबो। इंडोनेशिया 3rd नंबर पे, पनामा 4th नंबर, ठीक है। प्लीज दोस्तों, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपने आप को रोके नहीं, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है और भी एग्जाम है, बस पढ़ते रहो, सोशल लाइफ खत्म करनी पड़ेगी आपको। मैं भी आप लोगों के लिए सोशल लाइफ खत्म कर दी है, बस संडे का इंतजार रहता है, क्रिकेट खेलने को मिलता है संडे को सुबह अच्छे से, जो बहुत जरूरी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया, उसके अकॉर्डिंग कितना स्कोर हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में मार्च 2024 तक, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 60.1, तो एफआई इंडेक्स 64.2 हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आरबीआई ग्रेड बी में इससे क्वेश्चन पूछा था, इसके तीन पैरामीटर है, ठीक है, किसका कितना वेटेज है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका था? यूसेज का। तो एक्सिस 35%, यूसेज है 45%, क्वालिटी है 20%। और ये स्टार्ट हुआ था एफआई इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्टार्ट हुआ था 2021 में, और इसमें स्कोर 100 से लेता है, 0 से 100 तक। इस बार कितना स्कोर है? 64.2, ठीक है। लास्ट ईयर कितना था? 60.1 था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स।
और एक डीपीआई इंडेक्स भी आएगा आगे, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया है। नंबर वन पे वियना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर टू पे कोपेनहेगन, ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक 141 141 है। मुंबई और दिल्ली दोनों ही 141वें नंबर पे है, ठीक है। आगे चलें अपन, और वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स किसने रिलीज किया है, यूनेस्को ने रिलीज किया है। उसके अलावा अभी रिसेंटली मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी है, किसके लिए मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री, फॉर इमिग्रेंट्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, ठीक है। उसके लिए सबसे अफोर्डेबल कंट्री है वियतनाम। नंबर टू पे है कोलंबो, और इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक उसमें सिक्स, वो इंडिया की रैंक। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे बदरे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेट टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में नीति आयोग का है, उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो केरला के साथ उत्तराखंड ने भी टॉप किया है इस बार, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स और सोशल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो सारे एक बार देख के रखो, एक बार कहीं लिख लो, क्योंकि तो बहुत बार वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ईजी होता है, एक बार करने वाली चीजें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, नोट्स बना लो, ठीक है। अभी फोर्थ एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का, ठीक है, उसमें केरला और उत्तराखंड ने टॉप किया है। केरला ने फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, चौथा ही एडिशन है और लगातार चार साल से केरल ही टॉप पे आ रहा है, और इस बार केरल और उत्तराखंड का स्कोर कितना है, 79। ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इंडिया का स्कोर है, लास्ट 2020-21 के अकॉर्डिंग इंडिया का स्कोर था 66.66 पॉइंट। माइक में नया ऑर्डर कर रहा हूँ, थोड़ा रुको आप, ठीक है। और 23 और 24 में जो इंडिया का स्कोर बढ़ गया है वो हो गया 71, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। टॉप पे कौन सी है, केरला और उत्तराखंड, फोर्थ एडिशन है, एडिशन भी फोर्थ है इसका, ठीक है। और वर्स्ट स्टेट है बिहार, सबसे खराब है, घटिया, ठीक है, 57 पॉइंट है। और यूटी के अंदर टॉप 5 परफॉर्मर है, चंडीगढ़ ने टॉप किया है यूटी में, ये भी ध्यान रखना है। फिर जम्मू कश्मीर, फिर पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली है, ठीक है। अभी बात करें आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, अफआई इंडेक्स, उसमें इंडिया का स्कोर कितना था, 64.2 आउट ऑफ 100। अफआई इंडेक्स 2021 में स्टार्ट किया गया, इसमें एक्सिस 3 पैरामीटर है, एक्सिस 35%, यूजेस 45%, फिर उसके अलावा क्या बचा है, उसके बचा है क्वालिटी, क्वालिटी सबसे कम है, वो है 20%, ठीक है। ठीक चलते हैं 38 क्वेश्चन पे, गेवरा एंड कुसमुंदा कोल माइंस हैव सिक्योर्ड सेकंड एंड द फोर्थ स्पॉट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन रिलीज बाय वर्ल्ड एटलस, दीज कोल माइंस आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो अभी वर्ल्ड एटलस की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन की रैंकिंग आई है, उसमें नंबर टू पे गेवरा माइंस है, नंबर फोर पे कुसमुंदा माइन है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। और टॉप की कौन सी माइन है वर्ल्ड की, तो वो है ब्लैक थंडर माइन है यूएसए के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वापस रुकना पड़ेगा, यानी बीच बीच में पानी आप भी पिया करो। प्लीज इस वीडियो पे कमेंट नहीं रुकने चाहिए, कमेंट जितने लोग देखते हो ना कमेंट करो यार, प्लीज मजा आ जाना चाहिए जितनी मैंने मेहनत की है। और क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बहुत सारे हैं, मैं उसी टाइप से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब बात करें रिसेंटली एक इंडेक्स आया था, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी है, किसके लिए, फॉर इमिग्रेंट्स के लिए, सबसे सस्ती कंट्री देखेंगे इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स के लिए मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है वियतनाम, वियतनाम हनोई डोंग, ओके। नंबर टू पे कोलंबो, इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक 6, ठीक है। अभी नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया है, फोर्थ एडिशन है, उसको टॉप किसने किया, टॉप किया है केरल और उत्तराखंड ने, स्कोर कितना है दोनों का, 79, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में इंडिया की बात करें तो इंडिया का 2020 और 21 में स्कोर कितना था, वो था 66, और अभी जो 23-24 में हो गया वो कितना हो गया है, वो हो गया 71,
अभी आरबीआई का भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया है, अफा इंडेक्स, उसमें इंडिया का स्कोर है 64.2 मार्च 2024 फाइनेंशियल 24 का है, फाइनेंशियल ईयर 23 का कितना था वो था 60, ये आउट ऑफ 100 है। इसमें तीन पैरामीटर है, पहला एक्सेस 35%, दूसरा यूजेस 45%, क्वालिटी सबसे कम है 20%। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंपनी हैज रिसेंटली इमर्ज एज द लीडर इन द यूगोव रिकमेंड रैंकिंग 2020-24 इन इंडिया अचीविंग ए रिकमेंड स्कोर ऑफ 90.2। तो यूगोव रिकमेंड रैंकिंग आई है अभी 2024 की, उसमें सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है रिकमेंड स्कोर जिसका 90.2 है, तो वो है तनिष्क, ठीक है। नंबर टू पे अमेजोन है, 87.5 स्कोर है उसका। नंबर थ्री पे इमिरेट एयरलाइंस। अब रिकमेंड स्कोर क्या है, मतलब कितने लोग अपने फ्रेंड और कलीग को कोई ब्रांड रिकमेंड करते हैं, वही है ये। तो यू गो रिकमेंड रैंकिंग है, उसमें नंबर वन पे तनिष्क, नंबर टू पे अमेजोन, नंबर थ्री पे इमिरेट्स, और फिर नंबर फोर पे मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, फिर गूगल फाइव, गूगल पे है फिफ्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, और अभी घेवरा और कुसमुंदा माइन सेकंड और फोर्थ पे है, लार्जेस्ट माइन है, माइन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एनर्जी रखनी है अपन को पूरी, अभी अपन हाफ क्लास कंप्लीट करी है अपन, टोटल 80 स्लाइड है, तो एनर्जी पूरी रखना, मजा आएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर 40 में बताएं, अकॉर्डिंग टू द NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड रिसेंट डेटा, आयरलैंड सिक्योर्ड द विच स्पॉट ऑन द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर FPI रूटिंग फंड्स इनटू इंडिया। जो भी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन कौन है FPI का, जो फंड रूट करके इंडिया के अंदर लाते हैं, उसमें आयरलैंड की रैंक फोर्थ है, ठीक है। आयरलैंड ने किसको हटाया है, आयरलैंड ने रिप्लेस किया है मॉरिशियस को, ठीक है। और मॉरिशियस विच रजिस्टर्ड एन असेट अंडर कस्टडी ऑफ 4.3 trillion रुपीज बाय द एंड ऑफ जून 2024, तो इसकी रैंक हो गई फिफ्थ। और आयरलैंड ने कितना किया है, 4.41 trillion जो AUC है असेट अंडर कस्टडी, उसमें कितना अमाउंट है 4.41, जो FPI के थ्रू प्रीफर्ड डेस्टिनेशन में फोर्थ रैंक है आयरलैंड की। नंबर वन पे USA है, कितना 30,68,188 करोड़। सिंगापुर 7.05 trillion रुपीस, फिर लग्जमबर्ग है 5.57 trillion रुपीस, ये थर्ड रैंक है लग्जमबर्ग की। पहले पे USA, नंबर टू पे सिंगापुर, नंबर थ्री पे लग्जमबर्ग, और नंबर फोर पे आयरलैंड, नंबर फाइव पे मॉरिशियस, ठीक। आयरलैंड किस में था सेकंड नंबर पे, कुछ याद आ रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक 116 थी, जिसमें सेकंड नंबर पे था आयरलैंड, तो नंबर वन पे था आइसलैंड, और नंबर थ्री पे कौन था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। आगे चले, और यू गो का रिकमेंड रैंकिंग है, उसमें नंबर वन पे तनिष्क है, नंबर टू पे अमेजोन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज नॉट अमंग इंडियाज टॉप फाइव मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड फीचर्ड इन द ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज बाय कंतार। तो कंतार का भी ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया है, उसमें टॉप फाइव में कौन सी ब्रांड नहीं है इंडिया के अंदर जो फेमस नहीं है अभी, तो वो है नाइकी, ठीक है। द ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज बाय कंतार वाला इंडेक्स भी पूछता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड इंडिया के अंदर टॉप फाइव, उसमें गूगल है, टाटा मोटर है, अमेजोन है, जियो है, एप्पल है, इंडिया की अलग है और वर्ल्ड की अलग है, ध्यान रखना। और जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें गूगल है, अमेजोन है, नाइकी है, डव है, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 पे, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था जुलाई के अंदर, उसमें इंडिया की रैंक 82 है, ठीक है, 82 है, किसके साथ, इंडिया 82 नंबर पे है अलोंग विद सेनेगल एंड तजिकिस्तान। ये भी किसी एग्जाम में पूछा था कि इंडिया किसके साथ है, ठीक है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी पे क्लब तक वैलिड है सारी चीज़ें, ठीक है। और इंडिया के लिए कितने कंट्री का वीजा फ्री एक्सेस है इंडिया को, 58 कंट्री, ये भी ध्यान रखना। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 80 थी, पाकिस्तान 100वें नंबर पे है, फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, बिल्कुल घटिया, ठीक है, बस प्रेस में आ गए हैं ये इंडिया से, ठीक है। सिंगापुर का टॉप पासपोर्ट है, सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है, 195 कंट्रीज फ्री एंट्री है इनके लिए। तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कहाँ, जापान का होता था, जापान को भी कर दिया है रवाना, और टॉप पे आ गया सिंगापुर,
ठीक है, जापान टोटल 5 कंट्री के साथ सेकंड नंबर पे है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान। और जहाँ पे टोटल कितनी कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस है, तो 192। तो टोटल कंट्री भी याद रखनी है, 195 सिंगापुर को फ्री एक्सेस है 195 कंट्री में, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन इनको 192, और इंडिया को 58 कंट्री, और इंडिया के साथ सेनेगल और ताजिकिस्तान भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। अब थोड़ा जल्दी करते हैं यार, थोड़ा सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। विच स्टेट टॉप द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ द प्रेज अवार्ड अंडर द पीएम स्वनिधि। तो ये वाले इसमें स्टेट अलग अलग थे, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया। तो पीएम स्वनिधि के अंदर एक प्रेज अवार्ड दिए, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट में लोन परफॉर्मेंस के अंदर टॉप पे कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश लार्ज स्टेट। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ऑर्गेनाइज किया उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सीलेंस एक इवेंट किया था, वहीं पे पीएम स्वनिधि और दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के लिए अवार्ड दिए गए, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस को ऑनर किया है। तो पीएम स्वनिधि में प्रेज अवार्ड दिया है, DAY NULM में स्पार्क अवार्ड दिया है। ठीक है, प्रेज की फुल फॉर्म परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट, स्पार्क की फुल फॉर्म सिस्टमेटिक प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग। अब किसमें कौन कौन टॉप पे है, तो अभी बात करें पहले यह है प्रेज अवार्ड के लिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्रेज अवार्ड में लार्ज स्टेट में नंबर वन पे MP है, नंबर टू पे आंध्र प्रदेश, स्मॉल स्टेट और UT की बात करें तो नंबर वन पे लद्दाख है, नंबर टू पे पुडुचेरी, हिली और नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन पे आसाम है, नंबर टू पे सिक्किम है। स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए महाराष्ट्र को मिला है। और बेस्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सबसे ज्यादा जो लोन दिए हैं पीएम स्वनिधि में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक को दिए हैं के अंदर नंबर वन पे केनरा, नंबर टू पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर थ्री पे बैंक ऑफ इंडिया। और अगर अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आर्यावर्त बैंक जो ग्रामीण बैंक में टॉप पे है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है ओवरऑल इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिस में, तो वह MP। अब स्पार्क अवार्ड की बात करें, स्पार्क अवार्ड में ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बिग स्टेट में कौन है, केरला, नंबर टू पे UP, नंबर थ्री पे राजस्थान, और नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश नंबर वन पे, नंबर टू पे त्रिपुरा, नंबर थ्री पे उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, अब स्पीड पकड़नी पड़ेगी। WHO एंड यूनिसेफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इम्यूनेशन कवरेज इंडिया हैड सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड नो वैक्सीन एट ऑल, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड विद द 2.1 मिलियन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन 2023। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन करवाया था, अलग फॉर्म में था। WHO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी नेशनल इम्यूनेशन कवरेज, उसमें टोटल इंडिया में कितने चिल्ड्रन है जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो है 1.6 मिलियन और इंडिया से भी ज़्यादा है, 2.1 मिलियन चिल्ड्रन है। कहाँ पे है, वो है नाइजीरिया के अंदर 2.1 मिलियन चिल्ड्रन है जहाँ पे वैक्सीन नहीं लगी चिल्ड्रन को, इंडिया सेकंड नंबर पे है जिसका है 1.6 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। उससे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं, अभी एक इंडेक्स आया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंक 82nd है सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ, सेनेगल ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है, तो नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे सिंगापुर। और इंडिया को कितनी कंट्री के लिए फ्री एक्सेस है, 58, सिंगापुर को 195। नंबर टू पे पांच कंट्री है, पांच कंट्री कौन कौन सी थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और स्पेन, स्पेन और जापान। एक सेकंड चार्ज देख लेता हूँ, शायद चार्ज खत्म होने वाला है, सही टाइम पे अपन ने देख लिया, नहीं तो फालतू क्लास रुक जाती है। ओके, अब क्लियर है। और अभी WHO और यूनिसेफ का नेशनल इम्यूनेशन कवरेज में बताया है कि इंडिया में टोटल 1.6 मिलियन चिल्ड्रन है जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है, और नाइजीरिया में 2.1 मिलियन चिल्ड्रन है जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से RBI ग्रेड बी में भी क्वेश्चन आया था, ये अपन ने किया था डेली क्लास में। एक रिपोर्ट आई थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 SOFO रिपोर्ट,
फॉर ए सेक्टर इनोवेशन टूवर्ड्स ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इज रिसेंटली रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेटिंग दैट इंडिया सिक्योर थर्ड रैंक अमंग द कंट्रीज विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरिया गेन्स ड्यूरिंग 2010 टू 2020. तो जो फॉरेस्ट एरिया गेन है उसमें इंडिया 3 नंबर पे है. कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2020 सोफो. तो ये रिपोर्ट दी है FAO ने. ठीक है, तो इंडिया ने कितना गेन किया? 2.66 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इंडिया ने गेन किया 2010 से 20 तक. ठीक है, उसके अलावा चाइना टॉप पे है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन 19.37 लाख हेक्टेयर. नंबर थ्री, नंबर टू पे है ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर और नंबर थ्री पे है इंडिया. ठीक है, इंडिया कितना है और ग्लोबल फॉरेस्ट कवर्ड जो है 4.1 बिलियन हेक्टेयर है, 31% ऑफ द लैंड एरिया इन 2021. ठीक है, ग्लोबल जो फॉरेस्ट कवर कितना है 2020 तक के हिसाब से 4.1 बिलियन हेक्टेयर, 31% है टोटल लैंड एरिया. और इंडिया में कितने फॉरेस्ट एरिया गेन हुआ है? 2.66 मिलियन. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना. अभी मैं याद करवा देता हूँ, इसको रिपीट कर करके याद करवा दूंगा आपको. ठीक है, आगे चलते हैं अपन. अभी एक इंडेक्स आया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है सिक्योर्ड विच पोजिशन इन द ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024. तो ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की 6th रैंक वर्ल्ड के अंदर. बस आगे चलें. उसके अलावा अभी इससे पहले अपन याद कर लेते, चलो यहीं पे. अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रैंक आई थी, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. ठीक है, इसमें मैक्सिमम इसमें रैंक दी है फॉरेस्ट एरिया गेन के हिसाब से. फॉरेस्ट एरिया गेन कितना हुआ है 2010 से 2020 तक? सबसे ज़्यादा हुआ है चाइना में. कितना हुआ है चाइना में? कितना हुआ है? वो हुआ है 19.37 लाख हेक्टेयर. नंबर टू पे ऑस्ट्रेलिया 4.46 लाख हेक्टेयर. नंबर थ्री पे इंडिया, इंडिया की रैंक है 2.66 लाख हेक्टेयर. ठीक है, याद रहेगा. अभी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, किसने दी रिपोर्ट? प्रिपेयर किसने की? NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हेडक्वार्टर हैदराबाद से. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसकी क्या रैंक है? इन द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया. तो वायनाड की 13 नंबर पर रैंक है. ठीक है, नंबर वन पे कौन सा है? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का. नंबर टू पे टिहरी गढ़वाल. ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है. ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की रैंक कितनी है? 6 है मिलियन डॉलर राउंड टेबल. वापस थोड़ा सा ब्रेक, पानी. देखो GA की ऐसी क्लास है जिसमें आपको रुकना ही नहीं है. सबसे ज़्यादा एनर्जी GA में चाहिए आपको पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए. क्वेश्चन नंबर 49, वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल्स 2024 वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटिंग दैट इंडिया रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टेरिफ मेजर अमंग इट्स मेंबर इन 2023. वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल किसने रिलीज किया है? रिपोर्ट ये दी है WTO ने. इसके अकॉर्डिंग जो नॉन टेरिफ मेजर है उसमें इंडिया सेकंड नंबर पर है, सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टेरिफ मेजर अमंग WTO मेंबर. नंबर वन पे US है, बस इतना ध्यान रखो और आगे चलो. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना, आ सकता है एग्जाम में. विच एयरलाइन वॉज रिसेंटली नेम्ड द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया साउथ एशिया 2024 एट SkyTrax वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड. वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड दिए SkyTrax. SkyTrax का हेडक्वार्टर कहाँ? लंदन में. उसके अकॉर्डिंग इंडिया और साउथ एशिया के अंदर बेस्ट एयरलाइन विस्तार आया. और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन कौन सी है? कतर एयरवेज 8th कंसेक्यूटिव टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8th टाइम. सिंगापुर एयरलाइन नंबर टू पे है और इमिरेट्स नंबर थ्री पे है. ठीक है, विस्तारा ने टोटल 8 अवार्ड जीते हैं इसके अंदर. ठीक है, और बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन का अवार्ड भी इसी को मिला है 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के लिए. ठीक है, और मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन एशिया के अंदर वो अवार्ड दिया एयर इंडिया को. सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसी में हुआ है. SkyTrax का हेडक्वार्टर लंदन में है, जहाँ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी लंदन में ही है. ठीक है,
अभी थोड़ा सा और कुछ रिलेट करना है तो मैं सोच लेता हूँ क्या अभी अपन ने लेटेस्ट पढ़ा था। हाँ लेटेस्ट अपन ने पढ़ा था सो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है रुद्रप्रयाग में, दूसरा होता है टिहरी गढ़वाल, ठीक है, और वायनाड की कौन सी रैंक है, 13 नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विच इंस्टीट्यूशन टॉप इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग्स बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF रैंकिंग का 9th एडिशन था, उसमें ओवरऑल टॉप किसने किया है, वो किया है IIT मद्रास, 6 कंजिक्यूटिव टाइम IIT मद्रास ने टॉप किया है, नंबर 2 पे IIC बैंगलोर है, नंबर 3 पे IIT बॉम्बे है, ठीक है। अभी नीति आयोग का 4th एडिशन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसको टॉप किया है केरल प्लस उत्तराखंड ने, स्कोर 79, इंडिया का स्कोर 2021 में इंडिया का स्कोर था SDG 66 और 23-24 में इंडिया का स्कोर कितना हो गया, 71st। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरला और यूके ने टॉप किया है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। विच इंडियन कंपनी इज रैंक 70 इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट, तो क्लाउड वाली रैंकिंग के अंदर फोर्ब्स की 70 नंबर पे रेजर पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना रेजर पे के MD CEO हेड कौन है, ठीक है। नंबर 1 पे है कौन सी कंपनी, नंबर 1 पे है ओपन AI जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में, नंबर 2 पे डेटा ब्रिक्स है उसका हेडक्वार्टर भी यही है, नंबर 3 पे स्ट्राइप कंपनी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर 2 जगह पे, सैन फ्रांसिस्को भी है और डब्लिन आयरलैंड में भी है, ठीक है। ये टॉप 70वें नंबर पे, 70 नंबर पे कौन है, फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में रेजर पे, ठीक है। ये समर ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऐड इसलिए क्योंकि क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है, अलग से अपन ओलंपिक करेंगे बट देख लेते हैं इंडिया की रैंक कितनी है ओलंपिक के अंदर मेडल टेली में, 71st। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे चाइना है, ठीक है, इंडिया ने 1 सिल्वर जीता है, नीरज चोपड़ा साहब ने 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इंडिया की रैंक 71st। पाकिस्तान की रैंक कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हरमनप्रीत सिंह की कैप्टनसी में, हॉकी में भी अमन शहरावत ने 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच फैमिली रैंक्ड फर्स्ट इन द बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस फैमिली बिजनेस लिस्ट में, तो बार्कले प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया की लिस्ट आई है, नंबर 1 पे है अंबानी फैमिली, ठीक है, नंबर 2 पे बजाज फैमिली है जिसको लीड कर रहे हैं नीरज बजाज, ठीक है, नंबर 3 पे है बिरला फैमिली, और जो मोस्ट इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन कौन है ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है, जिनकी रैंक है 5वीं और टोटल जो नेटवर्थ है 4,30,600 करोड़ रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। विच इंडियन सिटी रैंक्ड सेकंड इन द एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 2024 कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग टू द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2024 बाई नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक की एक रैंकिंग आई है, उसमें ये बोला है कि प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा राइज किस में हुआ है, कौन सी कंट्री है इंडिया की, सॉरी इंडिया की कौन सी सिटी है जो सेकंड नंबर पे है, तो मुंबई, मुंबई में सबसे ज्यादा जो प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ती है, ऑब्वियसली बात जितनी प्रॉपर्टी की रेट है उस हिसाब से याद रखो, और नंबर 1 पे है मनीला और नंबर 2 पे मुंबई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर चल रही है अच्छे से, प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दे। अभी WHO का यूनिसेफ के साथ मिलके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था, उसमें 1.6 मिलियन चिल्ड्रन है जिसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है इंडिया में, और 2.1 मिलियन है नाइजीरिया के अंदर चिल्ड्रन जिसको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। उसके अलावा अपन बात करें, अभी एक और रैंकिंग आई थी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, उसमें मुंबई और दिल्ली की रैंक है 141, इंडिया की रैंक 141 है,
नंबर वन पे वियना है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। नंबर टू पे कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन में भी हेडक्वार्टर है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पीएम स्वनिधि के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है लोन परफॉर्मेंस में, तो वो एमपी है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, विच ब्रांड हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA प्लस रेटिंग। तो कौन सी ब्रांड है अभी जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड बन गई है AAA प्लस रेटिंग के साथ, तो वो है अमूल। और रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो अमूल की रैंकिंग 29 थी 23 में, और 2024 में रैंक हो गई है 22। नंबर वन पे अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें, और अगर रेटिंग है, रेटिंग के हिसाब से ये क्वेश्चन है कौन सी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड है जिसकी AAA प्लस रेटिंग है, तो वो है अमूल। और अगर रैंक की बात करें कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड के हिसाब से, वो नंबर वन पे है नेस्ले स्विट्जरलैंड की, ठीक है। नंबर टू पे लेज USA की, नंबर थ्री पे चाइना की गिली, ठीक है। और एज पर द ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट, कोको कोला हैज रिटेन इट्स टाइटल एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एल्कोहलिक ब्रांड। नॉन एल्कोहलिक ब्रांड में नंबर वन पे कौन है, कोको कोला। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री रजिस्टर्ड द हाइएस्ट FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 विद 3,457 रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा FPI जो 3,457 रजिस्टर किए हैं वो किए USA ने, ठीक है। USA के बाद किस किसने कितने किए, लग्जमबर्ग ने 1,393, कनाडा ने किए 804, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 64.2 था, इंडिया का नहीं, RBI रिलीज करता है FI इंडेक्स। फाइनेंशियल ईयर 24 का स्कोर ये है, फाइनेंशियल ईयर 23 का 60 था। इसमें तीन पैरामीटर है, एक्सिस कितना है एक्सिस का 35%, ठीक है। यूजेज 45%, क्वालिटी सबसे कम है 20%। इन सितंबर विद नेट वर्थ ऑफ 1,161,800 करोड़ टू टॉप द हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट को टॉप किया है गौतम अडानी जी ने, ठीक है। सेकंड नंबर पे है अंबानी जी 10,14,700 करोड़, ठीक है। और शिव नादर और फैमिली है वो थर्ड नंबर पे है, जो कि जो वेल्थिस्ट सेल्फ मेड वुमेन है राधा वेम्बू, वो 47,500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, कौन सी फर्म ने, इंडियन फर्म ने टॉप किया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो रिलायंस 86 रैंक है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। नंबर वन पे USA की कंपनी है, इसने 11th कंसेक्यूटिव ईयर टॉप पे किया है, तो वो है वॉलमार्ट, ठीक है। नंबर टू पे है अमेजोन USA की कंपनी। नंबर थ्री पे चाइना की स्टेट ओन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है स्ट्रीट ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट टॉप्ड अंडर द 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो AIF फंड में 1,00,000 करोड़ का था, उसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, जिसने PM स्वनिधि में प्रेज अवार्ड में भी टॉप किया था, ठीक है। और फिर MP के बाद महाराष्ट्र, फिर UP, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, ठीक है। MP टॉप्ड विद 9,331 प्रोजेक्ट टोटलिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,244 करोड़। तो टोटल कितने प्रोजेक्ट MP के, 9,333 और इन्वेस्टमेंट 11,244। नंबर टू पे महाराष्ट्र है 8,352 प्रोजेक्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट 9,225 करोड़ के, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में लॉन्च किया, उसका आउटले था 1,00,000 करोड़, ठीक है। इसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन मिलेगा, 3% सब्सिडी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस पे भी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2023, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विथ एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 बिलियन। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 8th नंबर पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, कितना एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया की $51 बिलियन। नंबर वन पे यूरोपियन यूनियन है, नंबर टू पे USA है, ठीक है, और नंबर थ्री पे ब्राजील है। यूरोपियन यूनियन का कितना एक्सपोर्ट वैल्यू है, $836 बिलियन, इंडिया का $51 बिलियन, USA का $198 बिलियन, ब्राजील थर्ड पे है $157 बिलियन, ठीक है। एग्रीकल्चर
एक्सपोर्ट में ये रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है अभी, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स टू रीच 1/4 ऑफ द यूएस इनकम पर कैपिटा। तो यूएस की पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 अचीव करने के लिए इंडिया को 75 ईयर और लगेंगे। ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दी है वर्ल्ड बैंक ने, जिसने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है DPI इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ DPI इंडेक्स दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ मिलकर। ठीक है, इसमें बोला है कि इंडिया को 75 ईयर लगेंगे टू रीच 1/4 ऑफ US इनकम पर कैपिटा, और चाइना को 10 साल लगेंगे, इंडोनेशिया को 70 साल लगेंगे। बस इतना ही ध्यान रखो। RBI की रैंक कितनी है इन द सोवर्जियन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट टॉप 100 लार्जेस्ट सेंट्रल बैंकिंग रैंकिंग बाई टोटल असेट इन द वर्ल्ड। RBI की रैंक 12 है। नंबर 1 पे फेडरल रिजर्व सिस्टम USA का 7.84 ट्रिलियन US डॉलर। नंबर 2 पे चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। नंबर 3 पे जापान का बैंक ऑफ जापान। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट अक्रॉस कंट्री हैव रजिस्टर्ड 12.6% ईयर ऑन ईयर राइज एज ऑन 31st March 2024। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो देखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया है, ठीक है, अभी 31 मार्च 2024 के हिसाब से ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ हुई है वो 12.6%। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन देता है? ये देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स देता है। इस बार का स्कोर कितना है? 445.5। इसमें 4 ब्रॉड पैरामीटर है, पेमेंट इनेबलर 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाइड साइड फैक्टर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, पेमेंट कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। ठीक है, और ये साल में 2 बार रिलीज करते हैं, मार्च 2021 से स्टार्ट किया है। ठीक है, DPI इंडेक्स का स्कोर कितना है? 445.5। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इंडिया का स्कोर कितना है? 64.2। फाइनेंशियल ईयर 24 का, फाइनेंशियल ईयर 23 का कितना है? 60। 3 पैरामीटर है इसके, यूजेस, एक्सेस, ठीक है, और क्वालिटी। क्वालिटी सबसे घटिया है, यूजेस 45%, एक्सेस 35%। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, वही जो अफेओ की रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट गेन में, उसी के बारे में पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन, क्योंकि अलग तरीके से फ्रेम हुआ है। एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इंडिया हैज रिगेन्ड 266,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020, रैंक्ड 3rd इन द लिस्ट, विच कंट्री टॉप द लिस्ट। तो जो फॉरेस्ट एरिया गेन हुआ है सबसे ज़्यादा चाइना में हुआ है, वो कितना हुआ है अभी अपन ने देखा था, चाइना में कितना गेन हुआ है? लगभग 19 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे 4.66 लाख हेक्टेयर, और नंबर 3 पे इंडिया 2.66, फिर चिली, फिर वियतनाम। वियतनाम सबसे बेस्ट सिटी है, बेस्ट कंट्री है जो इमिग्रेंट्स के लिए, इमिग्रेंट्स के हिसाब से रहने के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल सिटी कौन सी है? वो वियतनाम है। ये भी इंडेक्स अपन ने देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। उससे पहले एक सेकंड कुछ और मुझे रिलेट करना था, वो मैं सोच रहा हूँ, चलो आगे चलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक 8वीं है। ठीक है, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का कितना वैल्यूम है इंडिया का? 41 बिलियन डॉलर। यूरोपियन यूनियन नंबर 2 पे यूएस है, और नंबर 3 पे ब्राज़ील है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप 10 में 3 कंट्री कौन, ओनली 3 कंट्रीज अमंग द टॉप 10, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन एंड थाईलैंड, हैज इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023। अभी जो बताया वही क्वेश्चन है कि इंडिया हैज रैंक्ड एज वर्ल्ड्स विच नंबर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023। तो इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की 8वीं रैंक है, अभी बताया मैंने। यूरोपियन यूनियन इंडिया कितना 51 बिलियन US डॉलर के साथ, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन, नंबर 2 पे USA, नंबर 3 पे ब्राज़ील, और नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे है चाइना। ठीक है,
सारी चीज अच्छे से क्लियर हो रही है। भी सोफो रिपोर्ट आई थी जो मैं अभी बता रहा था आपको, सोफो रिपोर्ट ये किसने दी है, सोफो रिपोर्ट क्या, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये दी है फूड, एक सेकेंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एओ ने, ठीक है। इसमें नंबर वन पे कौन सी कंट्री है जहाँ फॉरेस्ट एरिया गया 2010 से 2020 तक 19.37 लाख हेक्टेयर, चाइना। नंबर टू पे ऑस्ट्रेलिया 4.66 लाख हेक्टेयर, नंबर थ्री पे इंडिया है 2.66 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 4.46, थोड़ा पेन सही से नहीं चल रहा था, ठीक है। और अभी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया है इंडिया का, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया का स्कोर कितना था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में इंडिया का स्कोर था 445.5। उसके पांच पैरामीटर है, पांचों पैरामीटर अपन को याद रखना है। पता नहीं पेन में कुछ दिक्कत हो रही है भैया, भगवान सही से चल जाएंगे, ठीक है। पांच पैरामीटर कौन कौन से हैं, ज़्यादा पेन को मैंने प्रेस कर दिया इस वजह से, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अब पहले क्लास ख़त्म करते हैं, जब तक सही चल रहा है ये। अभी स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने रिपोर्ट दी थी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव 2024, विच कंट्री अलोन अकाउंट फॉर 21% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव एज मेंशन इन द रिपोर्ट। तो वर्ल्ड का टोटल 21% जो मैंग्रोव है वो कौन सी कंट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो है इंडोनेशिया, ठीक है। मैक्सिमम आसियान कंट्री 33.6% कर रही है, उसमें से 21% इंडोनेशिया अकेला कर रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, नंबर टू पे गुजरात, नंबर थ्री पे अंडमान एंड निकोबार। वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है QCA, सूरज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क टू ड्राइव एक्सीलेंस अमंग स्टेट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन। इसमें अलग अलग फ्रेमवर्क है, QCI के अंदर अलग अलग पैरामीटर है। शिक्षा रैंकिंग के अंदर कौन सा स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रेडिटेशन असेसमेंट एंड रेटिंग में टॉप कर रहा है, लीड कर रहा है, तो शिक्षा रैंकिंग में टॉप है उत्तर प्रदेश। अलग अलग रैंकिंग है सारी देखते हैं अपन, शिक्षा रैंकिंग में यूपी टॉप पे है, ठीक है। फिर यूटी के अंदर दिल्ली टॉप पे है। स्वास्थ्य कैटेगरी के अंदर छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, मिजोरम एंड मणिपुर स्टैंड आउट है विथ कंप्लीट सर्टिफिकेशन इन आयुष्मान आरोग्य योजना, वाइल तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र लीड इन द मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स के अंदर। और यूटी के अंदर चंडीगढ़ एक्सेल विथ 100% सर्टिफिकेशन इन आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। और दिल्ली फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर एक्सेल इन MELT.IN समृद्धि कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे चेंज है, इन द समृद्धि कैटेगरी के अंदर समृद्धि कैटेगरी में टॉप पे कौन है, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान लीड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ JEE सर्टिफिकेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना। अब बात करें, अभी एक रिपोर्ट आई थी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द नंबर ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया इंक्रीज बाय 8% 2018 टू 2022। विच स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड कौन से स्टेट में है, तो वो है MP के अंदर 3,907, नंबर टू पे महाराष्ट्र 1,985, नंबर थ्री पे कर्नाटक 1,879, ठीक है। और MP ने जो प्रेज अवार्ड में जो PM स्वानिधि के लिए दिए हैं उसमें भी MP टॉप पे है, ठीक है। और स्पार्क अवार्ड जो दिए हैं DAY NULM के लिए उसमें ओवरऑल टॉप पे है केरला, लार्ज स्टेट में। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 रिलीज बाय स्वीडिश थिंक टैंक सिवरी, विच कंट्री वॉज वर्ल्ड टॉप आर्म इम्पोर्टर फॉर पीरियड 2029 to 2023। टॉप आर्म इम्पोर्ट कौन कर रहा है 2019 से 2023 तक, आम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन सी कंट्री ने किया है, इंडिया ने किया है सबसे ज़्यादा आर्म्स इम्पोर्ट किए सिपरी के अकॉर्डिंग। फिर नंबर टू पे सऊदी अरेबिया, नंबर थ्री पे कतर। नेक्स्ट, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था, उसका 12th एडिशन है, इसको रिलीज किया US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उसमें इंडिया की रैंक 42nd है। नंबर वन पे कौन है, USA, नंबर टू पे UK, नंबर थ्री पे फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 190 कंट्री। तो अभी 10th वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 126 है, 126 नहीं है,
उसमें इंडिया की रैंक 113 है, ठीक है। टॉप इटली ने किया है, नंबर टू पे न्यूजीलैंड, नंबर थ्री पोर्चुगल है। किसमें? वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 74, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 7 कंसेक्यूटिव ईयर तक सबसे हैप्पीस्ट कंट्री कौन सी है, तो जहां पर फन बहुत होता है, तो वो है फिनलैंड। फन से ही होता है हैप्पी, ठीक है। नंबर टू पर डेनमार्क, डेनमार्क ने वापस अपने इरादे कायम रखे हैं। नंबर थ्री पे आइसलैंड, आइसलैंड किस पे टॉप पे था? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड था, जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पे था, और हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 126। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द वर्ल्ड सुपर रिच लिस्ट ऑफ ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स सितंबर 2024। ये अभी ब्लूमबर्ग इंडेक्स की जो साइट है वहां से जाके देखा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सब जगह अलग अलग था, वो पुराना डेटा था पुरानी रैंक के हिसाब से, बट लेटेस्ट जो डेटा है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से मैं लेके आया हूँ, उस अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी जी की रैंक है 11, ठीक है। कितनी वेल्थ है इनकी? $112 बिलियन। 18 नंबर पे है गौतम अडानी जी 98.8 बिलियन डॉलर के साथ। इलोन मस्क नंबर वन पे 250 बिलियन डॉलर के साथ। जेफ बेजोस है 209 बिलियन डॉलर के साथ। मार्क जकरबर्ग है 190 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड नंबर, ठीक है। सारी चीजें क्लियर। अब ब्लैंक स्लाइड रखी है मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंडेक्स याद करवाने के लिए, 2 मिनट रुकना, सारे इंडेक्स याद करवाता हूँ इम्पोर्टेंट वाले लिख के। तो स्टार्ट करें, रेडी हो आप लोग? चलो सबसे पहले अपन याद करते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 159। टॉप किसने किया? टॉप किया नॉर्वे, ठीक है, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन। पाकिस्तान की रैंक कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 152। श्रीलंका की 150, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 39 है। उसको टॉप किया यूएस, जापान, यूएस और स्पेन और फिर जापान है, यूएस फिर सेकंड नंबर है, स्पेन थर्ड है, जापान। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स किसने दिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। फिर जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 129। उसको टॉप किया आइसलैंड, नंबर टू पे फिनलैंड, नंबर थ्री पे नॉर्वे, और नॉर्वे ने टॉप किसको किया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फिर पीस इंडेक्स की बात करें, पीस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक कितनी? 116। उसको टॉप किया आइसलैंड ने वापस, नंबर टू पे आयरलैंड है, नंबर थ्री पे ऑस्ट्रिया है पीस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 176 है। टॉप किया एस्टोनिया ने, नंबर टू पे लग्जमबर्ग, नंबर थ्री पे है जर्मनी। फिर बात करें अपन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 63 है, ठीक है। उसको टॉप किया एनर्जी के अंदर, स्वीडन ही मोस्टली टॉप पे रहता है, स्वीडन, लग्जमबर्ग, जर्मनी। अगर आप काफी साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से में कौन सा टॉप रहता है, धीरे धीरे आइडिया लग जाता है ये, ठीक है। अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, अलग ही चेंज हो सकता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग आया था, उसमें इंडिया की रैंक 141 है, 141। मुंबई और दिल्ली दोनों सेम रैंक पे है, ठीक है। नंबर वन पे वियना है थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, नंबर टू पे कोपेनहेगन है डेनमार्क की, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 42 है। टॉप किया यूएस है, फिर यूके, फिर फ्रांस, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक 126 है, ठीक है। उसको टॉप किया फिनलैंड ने, फिर नंबर टू पे अपना फेमस डेनमार्क, नंबर थ्री पे आइसलैंड, ठीक है। अब बात करें उसके अकॉर्डिंग 82 रैंक इंडिया की इसमें थी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कितनी कंट्री तक घूम सकता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? 58 कंट्री में घूम सकता है। इंडिया के साथ सेनेगल और ताजिकिस्तान भी था, सेनेगल, ताजिकिस्तान, इसमें टॉप पे है सिंगापुर नंबर वन पे, नंबर टू पे 5 कंट्री है, ठीक है, जिसमें जापान भी नंबर टू, ठीक है। आईएमएफ का एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया, उसमें इंडिया की रैंक 72 है,
ठीक है, उसको टॉप किया सिंगापुर ने, फिर डेनमार्क है नंबर टू पे, ठीक है। सिंगापुर का स्कोर है 0.80, इंडिया का स्कोर है 0.49। इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी है उसके अंदर, ठीक है। इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कितना है, 64.2, जो RBI ने दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो भी धमाकेदार टॉपिक के ऊपर ही होगा, जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान रखना आपको PDF कब मिलेगी, आपका टारगेट क्या है, 500 लाइक और 100 कमेंट भी करना। ओके, काफी बड़ी क्लास थी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज चैनल को 25,000 तक ले जाओ, जो क्वालिटी दे रहा हूँ आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम दोस्तों।